तो जिन लोगों का सुबह उठ के पेट साफ नहीं होता, यानी पेट फूला हुआ रहता है और दिन ब दिन पेट बढ़ता ही जा रहा है, जब भी आप खाना खाते हो पेट फूलने लगता है, अगर ऐसी कंडीशन है और पेट साफ नहीं होता है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पानी कैसे पीना है सुबह उठने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है जिससे आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। अगर आज नहीं तो 2-3 दिन में आपको असर होना शुरू हो जाएगा और 1 हफ्ते में देखेंगे कि काफी पेट का फैट भी खत्म हो चुका होगा और साथ में पेट भी आपका फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, अच्छे से आप तरोताजा रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है सुबह उठने के बाद, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ टीम आपका स्वागत है। तो जब आप सुबह उठ के अपने किचन में आते हैं और अगर आपको बिल्कुल भी फ्रेश होने का फील नहीं होता और ऐसा बहुत सारे दिनों से चल रहा है, आप पेट भी बढ़ने लग गया, तो तब आप एक काम करेंगे, रात को जब आप सोने जाते हैं तो 2 गिलास पानी लेंगे, किसी कांच के बर्तन में डाल देंगे, या स्टील का बर्तन हो या मिट्टी का बर्तन हो, और उसमें डालेंगे 1 चम्मच की लगभग सौंफ, ऐसे। चाहे तो आप रात के समय ही 2-4 पत्ते नीम के डाल सकते हैं इस पानी में। अगर नहीं रात के समय डालते तो सुबह उठ के क्या करिए, सबसे पहले इस पानी को रात को छोड़ दीजिए। अब जब सुबह उठे तो उसको छान लीजिए अच्छे से, ऐसे मिला के। छानने के बाद हल्का गुनगुना ये पानी करना है। अब जो सौंफ प्रॉपर्टी थी वो पानी में आ चुकी है, क्योंकि सौंफ तासीर में ठंडी होती है और डाइजेशन के मामले में बहुत अच्छी होती है। अगर सौंफ का आप इस तरीके से यूज करते हैं तो पेट आपका एकदम फ्रेश होना शुरू हो जाएगा। अगला इंग्रेडिएंट आपको क्या डालना है, फ्रेश जो नीम है उसका जूस डालना है। देखिए ये मैंने वैसे बोतल वाला लिया है क्योंकि फ्रेश जो अभी निकालने का समय नहीं था, लेकिन आप फ्रेश लेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी से आप बोतल का भी मंगा के यूज कर सकते हैं। और लगभग 1 चम्मच, नहीं तो बहुत ज्यादा कड़वा आपका पानी हो जाएगा, 1 चम्मच के अराउंड आप नीम का जूस, अगर नीम का जूस नहीं है करेले का जूस डाल लीजिए। अब क्यों डालेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी कड़वी होती है यानी टेस्ट कड़वा होता है, तो वो बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जितनी भी कड़वी चीजें होती है वो बॉडी को डिटॉक्स करेंगी, बॉडी को साफ करती है अंदर से, क्योंकि हमारे जो खाना है उसमें सभी तरह का स्वाद होना चाहिए, कड़वा, कसैला, मीठा, खट्टा, जितने भी स्वाद है, लेकिन कड़वा हम बहुत कम लेते, कुछ लोग तो लेते ही नहीं है, तो आपको 1 चम्मच जरूर लेना चाहिए अगर बॉडी को डिटॉक्स करना है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो इंडिया का सबसे अच्छा फ्रूट है, वैसे तो दुनिया का सबसे अच्छा फ्रूट है लेकिन इंडिया में भर भर के मिलता है, वो है आंवला। आंवला डाइजेशन में इतनी ज्यादा हेल्प करता है, पेट की गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करता है, आपके अगर जख्म हो चुके हैं, अल्सर की समस्या, उसको भी ठीक करता है आंवला। अगर बिल्कुल भी पेट साफ नहीं होता है और गैस बनती रहती है तो आंवला जरूर लेना शुरू कर दीजिए। 1 आंवले का अगर आप फ्रेश जूस इसमें डाल लेते हैं, और धीरे धीरे करके आंवले बढ़ा सकते हैं, 2-2 आंवले। आंवला ही एक ऐसा फ्रूट है जिसको अगर आप पका लेते हैं तो उसका जो विटामिन सी है वो खत्म नहीं होता। बाकी जो चीजें होती है जैसे टमाटर में भी विटामिन सी होता है लेकिन वो पकाने के बाद खत्म हो जाता है, 50% खत्म, लेकिन आंवला एक ऐसा फ्रूट है जो पकाने के बाद इसकी प्रॉपर्टी जो की तू रहती है, इसलिए आप पका के भी खा सकते हैं, सब्जी बना के भी खा सकते हैं, लेकिन फ्रेश आंवले का जूस, 1 आंवले का जूस, वैसे ये मैंने बोतल का लिया, मुझे भी मिला नहीं था, तो आप अच्छी कंपनी का बोतल वाला भी ले सकते हैं, जब तक फ्रेश नहीं मिलता तब तक। तो 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है, 1 चम्मच के लगभग ही 1 आंवले से निकलेगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अगला जो इंग्रेडिएंट है, आधे नींबू का जूस, ये मैंने वैसे तो 1 नींबू निचोड़ा था, आधे नींबू का जूस ही लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 1/2 चम्मच के। अब इसको भी डाल देना है और अच्छे से, जैसे पानी को ये बिना छने में मैंने डाल दिया, आपको छानना है और सिप सिप करके, घूंट घूंट करके पीना है, बैठ करके, उकड़ू बैठ के पीना है। अब थोड़ा सा टहल लेना है उठ करके, अगर फिर भी ऐसा लग नहीं रहा है कि फ्रेश होने जाए, ऐसा फील नहीं होता है, तो तब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको हटा देती हूँ। तो आपको कुछ आसन है आपको इस तरीके से करने हैं जिससे पानी पूरा आपके नीचे तक चला जाएगा और जितना भी गंद है, गंदगी है, भरी पड़ी है, कचरा इकट्ठा हुआ है, तो ये प्रोडक्ट उसको खींच के बाहर लाएंगे। जो भी चिपका हुआ पड़ा रहता है, निकलने की उसको कोशिश ही नहीं है, वो चिपका पड़ा है, तो ये जो हमने पानी पिया है ये उसको खींच के बाहर निकालेगा। लेकिन उसके लिए कुछ आपको इस तरीके से आसन करने हैं। सबसे पहले ये
ऐसे पर्वतासन इस तरीके से। तो सबसे पहला ये है, इस तरीके से आपको ये आसन करना है, एड़ी उठानी है और पूरा अपर बॉडी को खींचना है ऐसे कम से कम 10 बार इस तरीके से। अगर 10 बार नहीं कर सकते कोई दिक्कत है, 5 बार कर लीजिए। अब आपको ऐसे ही साइड में थोड़ा सा लेग को खोल लीजिए इस तरीके से, और ऐसे जितना आप मुड़ सकते हैं साइड में उतना मुड़ना है ऐसे, वही या तो 5-5 बार दोनों साइड या कम से कम 3-3 बार तो जरूर करें। इससे क्या होगा कि पूरा जो पानी है उसको पूरी बॉडी में घुमा रहे हो, धीरे धीरे नीचे जा रहा है और धीरे धीरे हम उसको पूरी बॉडी में भेज रहे हैं ऐसे अपनी मूवमेंट कर करके। ऐसे अब इसके बाद हाथों को ऐसे रख लीजिए आगे की तरफ, आप पीछे की तरफ जाना है तो जितना मतलब मुड़ सकते हैं उतना मुड़ना है, फिर वापस इस तरह। तीन तीन बार तो जरूर करना है, 5-5 बार भी कर सकते हैं। इसी के साथ फिर आपको क्या करना है, ऐसे सांस भरनी है कमर को, ज्यादा बैंड नहीं करना है। जो लोग यहां तक, जिनको कमर में दर्द है वो यहां तक आएंगे और फिर वापस ऐसे पीछे की तरफ भी, अगर कमर दर्द वाले तो कम झुके, अगर जिनको कमर दर्द नहीं है वो जितना मर्जी जा सकते हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है। अब उसके बाद आपको लेट जाना है, उल्टा लेटेंगे और इसके बाद जैसे हम भुजंग आसन करते हैं ऐसे करना है। देखिए कैसे सांस भरा, ऊपर उठ गए और अपनी एड़ियों को देखना है इस तरीके से, देखा और वापस लेट गए। देखो हम अपनी आंतों को, पेट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी जो पानी गया तो वो हमारी आंतों के या पेट के स्टिमुलेट होने से दाएं बाएं घूम रहा है, पूरे शरीर में घूम रहा है, और हमें घुमाना इसलिए है क्योंकि जो चीजें हमने डाली है वो अच्छे से गंदगियों को अपने साथ बहा करके नीचे ले जाए, जिससे आपका फारा, ब्लोटिंग ये सब होता है ना, जो गंदगी अंदर पड़ी हुई है क्योंकि पेट साफ नहीं होता है, तो वो आपका खत्म हो जाए, डाइजेशन अच्छा हो जाए। तो ये भी कम से कम 5 बार करना है। अब आपको राइट साइड को ऊपर करके उठना है, ये मेरी राइट साइड है, राइट हैंड है, तो इसको मैं ऐसे ऊपर करके ऐसे साइड से उठूंगी, लेफ्ट साइड से नहीं उठना है क्योंकि लेफ्ट साइड से हमारा जो बड़ी आंत होती है ना वो ऐसे आके नीचे फ्लश आउट करती है इस तरीके से। अगर हम इस साइड से उठते तो गंदगी इस साइड जाएगी, अगर हम इस साइड से उठते हैं तो गंदगी वापस आ जाएगी, यानी पानी वापस आ सकता है, तो इसलिए हमें राइट साइड से उठना है। नेक्स्ट जो आसन है वो देखिए मल आसन में बैठ जाइए। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है वो पिल्लो लगा के बैठ सकते हैं। इस तरीके से आपने कुछ देर के लिए ऐसे बैठना है या ऐसे भी बैठ सकते हैं, और इसी के साथ में आप इस तरीके से ये वाला भी कर सकते हैं, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ जाए, ऐसे दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रखे इस तरीके से, इससे भी आपकी आंतों के ऊपर पूरा इफेक्ट आ रहा है, पूरा प्रेशर आ रहा है इस तरीके से। करके देखना, फिर आपको महसूस होगा कि आपके पेट के ऊपर कितना अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मसाज कर रहे हो पेट की, बहुत अच्छा इफेक्ट नजर आएगा आपको, तरोताजा आप महसूस करेंगे।
इसके बाद जो लास्ट आसन है हमारा, आप इस तरीके से बैठ जाएंगे, ऐसे अपनी लेग्स को फैला लेंगे और एक लेग्स पर से बेंड करेंगे। अब दूसरी अपोजिट एल्बो को ऐसे नी के यहाँ पे रखेंगे और ऐसे पैर को पकड़ सकते हैं अपने इस तरीके से, और ऐसे पीछे की तरफ देखेंगे, और या फिर हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। कम से कम 2 से 3 बार ये करें और 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड भी रखें। ऐसे ही हमें दूसरी साइड ऐसे पैर को पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ लिया और ऐसे हाथ को अपनी कमर के पीछे भी या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। इस तरीके से तो फिर आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए या शवासन में लेट जाइए। आपको गुड़गुड़ सी फील होने लगेगी और थोड़ी देर बाद, हो सकता है आधा घंटा लगे, आपका पेट साफ जरूर होगा, कम से कम गैस तो रिलीज होंगी ही होंगी। और ऐसा एक दिन में नहीं होता, देखो चीजें हैं अंदर गई हैं, उसको भी टाइम लगता है, कम से कम हो सकता है 3-4 दिन लग जाए। बड़े मतलब पुरानी कब्ज आपकी हो चुकी है, पुरानी चीजें चल रही हैं, तो उनको ठीक करने में टाइम लगता है। तो कंटिन्यू करते रहिए, हार मत मानिए, आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने होगा। और एक और चीज, रात के समय कम से कम 7, 7:30 या 8 बजे तक खाना खा लीजिए। 10 अगर 10:30 बजे आप सोने जाते हैं तो 2-2.5 घंटे पहले खाना खा लें। जब आप सोने जाए, आधा गिलास गुनगुना पानी जरूर पी लें, सिंपल पानी, दूध मत पिए जिनको कब्ज की समस्या है। ऐसा करेंगे पेट आपका हमेशा साफ रहेगा, खाने को चबा चबा के खाएं। आज इतना ही, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।